एमपी के हरदा शहर में भाजपा प्रत्याशी कमल पटेल की नामांकन रैली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल होने पहुंचे, जहां भाजपा प्रत्याशी ने शुभ मुहूर्त में निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन फॉर्म जमा किया। शहर के गुप्तेश्वर मंदिर पहुंचकर नामांकन रैली लेकर अनुविभागीय कार्यालय, इसके बाद खेड़ीपुरा संत रविदास चौक से रैली प्रारंभ की और हेलीकॉप्टर से पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने चाक चौराहे से शामिल हुए प्रताप टॉकीज सभा स्थल पर पहुंचे। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित कर कहा कि कांग्रेस के राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, जो कि एक नौटंकी है और नेताओं द्वारा एक दूसरे के कुर्ते कार्यकर्ता फाड़ रहे हैं। राहुल गांधी को तो उनके नेताओं के कुर्ते को रफू करवाना चाहिए। विधानसभा चुनाव में हरदा सहित पूरे प्रदेश में चुनाव जीतेंगे और मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार बनाएंगे। भारत कहीं से टूटता नजर आ रहा है क्या आपको? अरे भाई, कहीं दरार हो, कहीं टूटन हो तो तुम जोड़ने के लिए यात्रा निकालो, समझ में आता है? भारत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया को ललकार रहा है और दुनिया ललकार के सामने सरेंडर हो रही है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।